प्रयागराज में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार धूमनगंज निवासी दीपक विश्वकर्मा करीब 8 वर्ष से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसकी जागृत बिहार के पास 900 स्क्वायर फीट जमीन है। इसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार की दोपहर इमरान अली, यासीद, रसूल और सुल्तान स्टाम्प पेपर लेकर आए और दीपक के घर के कमरे में बैठकर बातचीत करने लगे। आरोप है कि इस बीच स्टैंप पर जबरन हस्ताक्षर कराने को लेकर विवाद शुरू हुआ तो मिर्ची फेंक दी गई। इसी बीच दीपक ने सामने असलहा निकाल लिया और फिर दूसरे पक्ष के लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से यासीद और सुल्तान की मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर इलाके में सनसनी फैल गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। इसी बीच सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची और दीपक को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही देर में वहां पुलिस के उच्चाधिकारी पहुंचे और जांच में जुट गए। एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि 900 स्क्वायर फीट जमीन के विवाद में घटना हुई है। दीपक ने गोली मारी है, उसे पकड़ लिया गया है, जबकि रसूल को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। यह मामला मीरापट्टी इलाका थाना धूमनगंज जिला प्रयागराज का है। यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि दीपक विश्वकर्मा के घर में फायरिंग हो गई है और दो लोग मरणासन्न रूप से घायल हो गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैंने भी तत्काल ही मौका मुआयना किया। मौके पर पड़े दो मरणासन्न लोगों को अस्पताल भिजवाया गया ताकि इनका दवा इलाज हो सके। साथ ही साथ मौजूद दीपक विश्वकर्मा को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ शुरू की गई। इनके बयानों के मुताबिक ये 7-8 साल से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। इनके साथ ही इमरान अली अपने 3 अन्य साथियों के साथ उसके घर पे आया था और ज़बरदस्ती एक सादे स्टाम्प पेपर पे साइन करवाना चाहता था। इसी जद्दोजहद में हॉट टॉक हुआ, वाद विवाद हुई और फायरिंग तक नौबत आ गई। इमरान अली और उसके 3 साथियों ने असलहे निकाल लिए। इसी दरमियान अपने बचाव में, आत्मरक्षा में, दीपक विश्वकर्मा ने तत्काल ही उनके हाथ से पिस्टल छीन के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है जो मरणासन्न हालत में थे, जिनको अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ इमरान अली और रसूल अहमद भाग खड़े हुए, जिनको पुलिस टीमों के द्वारा अथक प्रयास करके तत्काल ही हिरासत में ले लिया गया। गोली चलाने वाले दीपक विश्वकर्मा को भी हिरासत में लिया गया है। इनके घर से विपक्षी द्वारा लाए गए सभी 2 तमंचे और 2 पिस्टल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कुछ खोखा कारतूस भी मिले हैं। मौके से स्टाम्प पेपर और पैड भी मिला है। इस पूरे प्रकरण में जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर और जो भी मौके के साक्ष्य हैं और बयान हैं उसके आधार पर कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी भी सूरत में किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।